चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखेंगे, एंजल कराएगी हमें पूरा क्वेश्चन। गुरमान गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 160, मतलब आपने पेमेंट कितनी करी है 160, जिसमें से 40,000 एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग 20,000। इनकम रिसीव्ड 240, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपने 240 रिसीव करे उसमें से 30,000 एडवांस में है, और इनकम नॉट येट रिसीव्ड 24,000। तो चलो कैश बेसिस पहले कर लेते हैं। कैश बेसिस हमें क्या निकालना है, इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कैश बेसिस मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुश्किल वाला मैं करता हूँ, आप आसान वाला करते। चलो कैश बेसिस आप ही बताओ बेटा, रेवेन्यू कितना माने। ये आपके सामने तीन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तीन रेवेन्यू से रिलेटेड। श्योर, वेरी गुड। 240, 240 में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर होता ना 240 के अलावा 30 और मिले तो 270 हो जाता, बट कैश बेसिस कह रहे टोटल कितने मिले, कह रहे 240 एक्सपेंसेस। करेक्ट, तो लाइफ कितनी सिंपल होती है कैश बेसिस में, बट लाइफ कभी सिंपल नहीं होती, देर विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स, इसीलिए अलाउड नहीं है कैश बेसिस, आपको गुमराह कर देगा। तो क्या करेंगे हम, अक्रूअल बेसिस, कह रहे थोड़ा अभी से, बोलो बोलो किसमें, फिर से बोलेंगे, नॉट येट रिसीव्ड तो कैश है ही नहीं, नॉट येट रिसीव्ड तो अक्रूड है, कैश बेसिस कंसिडर ही नहीं करता। जो इनकम मिली ही नहीं तो क्या वो कैश में इंक्लूडेड होगी, तो इसलिए कंसिडर ही नहीं करी। वो तो तब होती ना अगर जो पैसे मिले उसमें से कुछ होते, ये पैसे तो मिले ही नहीं। नॉट येट रिसीव्ड मतलब ये पैसे आपको मिले ही नहीं, तो कैश बेसिस को अफेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, पक्का? रिसीव्ड इन एडवांस तो लाइबिलिटी होती है, अक्रूड इनकम होता है काम कर दिया पैसे नहीं मिले। रिसीव्ड इन इनकम आप बोल रहे हैं सर वो तो रिसीव्ड इन एडवांस है, तो करेंट पीरियड की इनकम नहीं होनी चाहिए, ये डाउट है। कैश बेसिस कहता है कि भैया किस पीरियड की है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्लियर। अक्रूअल बेसिस, अक्रूअल बेसिस क्या कहता है, अक्रूअल बेसिस कहता है कि थोड़ी मेहनत करो, दिमाग लगाओ। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एक एक करके बात करते हैं। रेवेन्यू बताओ बेटा एंजल, कितना माना जाएगा करंट पीरियड का रेवेन्यू एज पर अक्रूअल बेसिस। 240 मिले इनकम, इनकम रेवेन्यू पूछ रहा हूं मैं, इनकम तो बाद में आएंगे एक एक करके, ठीक है। 240 मिले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 240 में से 30,000 अगले साल के हैं या मतलब फ्यूचर के हैं, तो क्या वो करंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी एंजल। मुझे मिले 240,000, आउट ऑफ दिस 30,000 एडवांस में मिले हैं, आगे के हैं, क्या वो करंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज इट एन इनकम और अ लायबिलिटी, तो इनकम नहीं होती ना, बट वो 240 में इंक्लूडेड है, तो आपको डिडक्ट करने चाहिए कि नहीं। 240 मुझे टोटल पैसे मिले जिसमें से 30,000 अगले साल के हैं, तो वो 30,000 करंट पीरियड के रेवेन्यू का पार्ट होगा कि नहीं, तो माइनस कौन करेगा, करना पड़ेगा ना, माइनस होगा और 24 ऐड होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब अक्रूड इनकम है, ये क्या है, ये अक्रूड इनकम। तो अगर फॉर्मूले पे आए तो क्या होता है, बड़ा सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, रेवेन्यू रिसीव्ड जो मिल गया प्लस
अक्रूड इनकम, अगर कुछ अक्रूड इनकम है तो उसको ऐड कर दो, अगर कुछ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसको माइनस कर दो। कितने पैसे मिले आपको? 240। अक्रूड कितना है? 24। एडवांस में कितने मिल गए? 30। सिंपल सिंपल रहने देना प्लीज। 264 माइनस 230, 234। 234 ये क्या है? रेवेन्यू। बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कह रहे आपने टोटल पेमेंट कितनी करी? जितनी भी करी। कुछ ड्यू है अभी तो वो करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा, और क्या जो आपने पेमेंट करी उसमें से कुछ अगले साल का है उसको माइनस कर दो। तो एक्सपेंसेस पेड कितने हैं? 160। पेड इन एडवांस माइनस हो जाएंगे, 20 ऐड हो जाएंगे। तो 160 प्लस 20 माइनस पेड इन एडवांस कितना है? 40। पेड इन एडवांस कितना है? 40। तो 160 प्लस 20 180, 180 माइनस 40 140। क्लियर? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो 60 प्लस 34 94,000। क्लियर? क्लियर? इजी है, ध्यान से करना।